सब जाओ यहाँ से, कृष्ण को भोजन ग्रहण कर दो, चलो चलो। अरे क्यों, इन्हें क्यों भेज रही हो? अभी तो इन्हीं के हाथों से मुझे भोजन चखना है। क्यों सखियों, अपने हाथों से मुझे भोजन चखाओगी कि नहीं? हाँ हाँ। चलो आरंभ करते हैं फिर। खीर तो अच्छी बनी है, किंतु मेरी सखियों के हाथों से एक खीर चख के उसमें मिठास दुगनी हो गई, अधिक आनंद आ गया। वाह वाह वाह, और खिलाओ ना। मैं अपनी प्रेम कहानी को आगे बढ़ाने आई हूँ, यशोदा मैया को प्रसन्न रखने का इतना प्रयास कर रही हूँ और ये यहाँ कृष्ण को बैठकर मोह रही है। एक अवसर मिलने दो, नहीं तो मैं कृष्ण के साथ अधिक समय ही नहीं बिताने दूंगी। मैया, राधा, पूर्ण दिवस आप घर के कार्य संभालती रहती हैं, आपकी सेहत का ध्यान कौन रखेगा? चलिए आइए मेज। अरे राधा, ये भी अब आप कोई कार्य नहीं करेंगी, केवल विश्राम करेंगी और मैं आपके पैर भी दबाऊंगी और मालिश भी करूंगी। अरे नहीं नहीं राधा, घर आए अतिथि से कोई सेवा लेता है क्या? किंतु मुझे तो सेवा करना अच्छा लगता है और आप तो मेरी यशोदा मैया हैं और मैया की सेवा करने का अवसर तो सौभाग्य से मिलता है। सौभाग्य तो हमारा है जो तुम हमारे घर आई हो राधा। यदि ऐसा है तो फिर आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। चलिए अब मुझे आपके पैर दबाने दीजिए। अच्छा बाबा ठीक है, तुम कह रही हो तो पांव दबवा लेती हूँ। राधा अब तुम सो जाओ। अब आप विश्राम कीजिए, देखिएगा बड़ी मीठी मीठी निद्रा आएगी आपको। राधा, जो सेवा करते हैं उन्हें आशीर्वाद पाने का भी अधिकार होता है। ईश्वर करे तुम्हारी जो भी इच्छा हो वो पूर्ण हो जाए। आप चाहती हैं तो अवश्य पूरी होगी मेरी इच्छा, और मेरी इच्छा यही है कि इस बार मैं कृष्ण से विवाह करके आपके घर की बहू बनूं। रुको, यहाँ इतनी उथल पुथल क्यों मची है? कुछ समय पूर्व महाराज कंस का संदेश आया है, वो महारानी अस्थि, महारानी प्राप्ति और जरासंध के साथ लौट रहे हैं, किसी भी क्षण पहुँचते ही होंगे। मैं स्वयं बकासुर का मृत्यु शब्द देखकर आ रहा हूँ। क्या उत्तर दूंगा यदि महाराज कंस ने कृष्ण के विषय में पूछा तो? सावधान, मथुरा की महारानी अस्थि और महारानी प्राप्ति पधार रही है। प्रणाम महारानी प्राप्ति, प्रणाम महारानी अस्थि। महाराज कंस नहीं आया आपके साथ? महाराज कंस और पिता श्री जरासंध एक उत्सव करना चाहते थे क्योंकि उनकी अपेक्षा है कि कृष्ण का विनाश हो चुका होगा अब तक, इसीलिए वो एक विशेष शिकार पर गए। इसीलिए महाराज से पूर्व वो शुभ संदेश हमें बताओ, कैसे किया बकासुर ने कृष्ण का वध? अरे वाह, आज ये प्रकृति भला कितनी सुंदर लग रही है। हाँ सुंदर लग रही है तो देखो, इस प्रकृति में यदि हम भ्रमण करने चले तो कितना अच्छा लगेगा। भ्रमण करेंगे फिर हाट जाएंगे, हाट से कुछ लेते हुए भी आ जाएंगे। क्यों, अभी कैसे ध्यान आया मेरा तुम्हें? कल तो बड़ा सखियों के साथ भोजन ग्रहण कर रहे थे ना, और तुम्हारा स्वाद भी दुगना हो गया था, तो जाओ उन्हीं के साथ भ्रमण करो ना।
छोड़ो ना राधा, ये क्या छोटी छोटी बातें लेके तुम बैठी हुई। यहाँ मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा, इतना सुंदर समय व्यतीत करना चाहता हूँ और तुम हो कि ये सब नाटक कर रही हो। चलो ना, तुम आओगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं सज्ज होकर आती हूँ। ठीक है, मैं भी जाता हूँ, दाऊ के साथ एक छोटा सा कार्य वो करके आता हूँ। क्षमा चाहता हूँ महारानी, किंतु कृष्ण का नहीं, अपितु बकासुर का वध हो गया है। अर्थात कृष्ण सुरक्षित है? मैंने सुना है कि वो अत्यंत श्रेष्ठ मनुष्य है। छोटी बहन की छोटी सोच, तुम ये सुनकर प्रसन्न कैसे हो सकती हो कि तुम्हारे पति का शत्रु जीवित है और तुमने महाराज को शीघ्र ही सूचित क्यों नहीं किया? महारानी मैं तो रहने दो, सब के सब व्यर्थ। मुझे ही शीघ्र जाकर महाराज कंस को ये अशुभ सूचना देनी होगी। हमें ज्ञात ही नहीं कि वो शिकार पे कहाँ होंगे। उन्हें शिकार करके आने दो, आ जाएगी तो पता चल ही जाएगा। नहीं, एक राजा को सदैव शीघ्र ही ऐसी बात का ज्ञात होना चाहिए जिससे वो अपना अगला आक्रमण सोच सके। और अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं वापस जा रही हूँ। रुकिए महारानी, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं स्वयं जाऊंगा महाराज कंस के पास ये संदेश लेकर। कृपया आप मत जाएं, आप इतने वर्षों के पश्चात मायके से वापस आई हैं। यदि आप गई तो महाराज कंस बहुत क्रोधित होंगे। मुझे पराजित राजाओं से कोई मोह नहीं है। कंस को विजय होना ही होगा कृष्ण से, इसीलिए जाओ और शीघ्र ही सूचित करो। जी महारानी। अब मैं और कृष्ण भ्रमण पे जाएंगे और कोई हमें आकुल नहीं करेगा। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये सखिया कृष्ण को क्यों पुकार रही है? रुको, क्या हुआ? आज सुबह सुबह इतना श्रृंगार करके इतनी सज्ज होकर कहाँ चल पड़ी? हम सब कृष्ण के साथ भ्रमण में जा रहे हैं। अच्छा, और इस भ्रमण के विषय में कृष्ण ने तुम सबको कब बताया? वो कल रात्रि में ही कृष्ण ने हम सबको बता दिया था कि आज प्रकृति बहुत अच्छी होगी तो भ्रमण पे चलेंगे, इसलिए उसने बोला कि तैयार होकर आना। हाँ, तभी तो हम प्रातः होते ही तैयारी में लग गए और यहाँ समय से पहुँच गए। इन सबको पहले ही बता दिया और मुझे अभी बताया। और कृष्ण ने ये भी कहा था कि आज जो सखियों में सबसे सुंदर दिखेगी उसका तो हाथ पकड़ कर चलेगा भ्रमण के समय। हाँ, हम सब अत्यंत उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि कौन कृष्ण का हाथ थामेगा। क्या हुआ राधा, तुम इतनी आकुल क्यों लग रही हो? कुछ समस्या है? हाँ, समस्या तो है। अब देखो ना, कृष्ण ने कहा है कि वो सबसे सुंदर सखी का हाथ थामकर भ्रमण करेगा, किंतु तुम सबने तो इतना सादा श्रृंगार किया है, कृष्ण को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब हम सब क्या करें राधा? तुम चिंता मत करो, तुम सब आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारा श्रृंगार करती हूँ। सच में? अब जब तुम सबका इतना मन है कृष्ण का हाथ थामकर भ्रमण करने का, तो मेरा भी तो कुछ उत्तरदायित्व बनता है ना कि तुम सबकी सहायता कर दो। बहुत अच्छे से श्रृंगार करूंगी तुम्हारा। धन्यवाद राधा। अब देखना कृष्ण, सबसे सुंदर सखी का हाथ थाम के जाना तुम भ्रमण में।